बॉलीवुड सेलेब्स की शादियां तो हमेशा ही चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इन शादियों में करोड़ों का खर्चा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड शादी में करोड़ों खर्च करने वाले इन सेलेब्स के तलाक भी करोड़ों के होते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे रिश्ते हैं जो बनते ही बिगड़ गए, तो वहीं कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने 15 साल की शादी के बाद भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले लिया। कुछ सेलेब्स को तलाक काफी भारी पड़ा। ऋतिक रोशन, सुजैन खान। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाकों में से एक है। दोनों ने 14 साल तक साथ रहने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजैन खान ने एलिमनी में 400 करोड़ मांगे थे, जिसके बाद ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ सुजैन खान को दिए थे। फरहान अख्तर, अधूना भवानी। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर फरहान अख्तर ने 16 साल तक साथ रहने के बाद अधूना से तलाक लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बदले अधूना ने उनसे मुंबई स्थित 1000 स्क्वायर फीट का बंगला मांगा था। इसके साथ ही फरहान अख्तर अपनी बेटियों की देखभाल के लिए हर महीने लाखों रुपए अधूना को देते हैं। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। कपूर खानदान की लाड़ली बेटी करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर के साथ शादी की थी। शादी के 13 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। दोनों के दो बच्चे हैं जो करिश्मा कपूर के साथ मुंबई में रहते हैं। रिपोर्ट की माने तो एलिमनी के तौर पर करिश्मा कपूर को एक बंगला मिला। इसके अलावा 14 करोड़ का बॉन्ड हुआ था, जिस पर हर महीने करिश्मा कपूर को 1 करोड़ रुपए मिले। आमिर खान और रीना दत्ता। आमिर खान शादी के मामले में अनलकी रहे। आमिर 2 बार तलाक ले चुके हैं। उन्होंने पहली बार रीना दत्ता से साल 1986 में शादी रचाई थी। दोनों 2002 में एक दूसरे से अलग हो गए। रिपोर्ट की माने तो आमिर खान ने रीना दत्ता को एलिमनी के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। अरबाज खान और मलाइका अरोरा। अरबाज खान और मलाइका अरोरा ने कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1998 में शादी रचाई थी, लेकिन साल 2017 में अरबाज खान और मलाइका अरोरा एक दूसरे से अलग हो गए। इसकी वजह दोनों के अफेयर्स थे। मलाइका अरोरा ने अरबाज खान से तलाक के बाद 10 से 15 करोड़ मांगे थे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।